जय मसीह के दोस्तों, परिवर्तन का प्रमाण एविडेंसेस ऑफ कन्वर्सन। निम्नलिखित शास्त्रों में दिए गए नए जन्म के प्रमाणों की सूची हम देखेंगे। मत्ती 7:20 यह कहता है उनके फलों से पहचाने जाएंगे। फिर रोमियो 8:14-16 यह कहता है परमेश्वर के आत्मा द्वारा वे चलाए चलते हैं। गलातियों 5:22-23 में हम पाएंगे उनमें ये सब आत्मा के फल होंगे। पहले यूहन्ना 5:4 में कहता है जो कुछ भी ईश्वर से पैदा हुआ है वह दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना 3:14 में कहता है भाइयों से प्रेम रखता है। पहला यूहन्ना 5:3 में कहता है उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो यीशु की कहानी का अध्ययन करें, जो महायाजक था और उसका अनुभव और हुआ किस तरह बदला उस पर ध्यान दें। जकरिया 3:1-5 फिर यहोवा ने यहोशु महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा हे शैतान यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुटकी सी नहीं है? उस समय यीशु तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और इन्होंने उसके सिर पर यजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। पाप के बूढ़े आदमी का क्या होता है? रोमियो 6:6 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दसत्व में ना रहें। फिर गलातियों 2:20 पढ़ेंगे मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। नए जन्म के परिणाम स्वरूप हृदय में क्या आता है? पढ़े रोमियों 5:1 क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। फिलिपियों 4:7 तब परमेश्वर की शांति जो सारी समाज से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब परमेश्वर की आत्मा हृदय पर कब्जा कर लेती है तो यह जीवन को बदल देती है। पापपूर्ण विचार दूर हो जाते हैं, बुरे कामों का त्याग हो जाता है, प्रेम नम्रता और शांति क्रोध ईर्ष्या और झगड़ा के स्थान ले लेते हैं। पापपूर्ण विचार दूर हो जाते हैं, बुरे कामों का त्याग हो जाता है, प्रेम नम्रता और शांति क्रोध ईर्ष्या और झगड़ा के स्थान ले लेते हैं, खुशी उदासी की जगह ले लेती है और चेहरे पर स्वर्ग की रोशनी झलकती है। कोई उस हाथ को नहीं देखता जो बोझ उठाता है या प्रकाश को ऊपर के आंगन से उतरते नहीं देखता। आशीर्वाद तब मिलता है जब विश्वास के द्वारा आत्मा स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देती है। फिर वह शक्ति जिसे कोई मानवीय आँख नहीं देख सकती परमेश्वर के स्वरूप में एक नई प्राणी बनाती है।